कर्नाटक हुकूमत ने तंबाकू के इस्तेमाल और हुक्का कंजम्पशन के मुज़र असरात से मुतल्लिक आदादोशुमार के मद्देनज़र एक जामे नोटिफिकेशन जारी किया है। WHO के ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे और मुख्तलिफ एक्ट्स जैसे COTPA 2003 और चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के आदादोशुमार का हवाला देते हुए नोटिफिकेशन में अवामी मकामात पर और तालीमी इदारों के 100 गज के दायरे में तंबाकू और हुक्के को ममनू करार दिया गया है। हुक्के के इस्तेमाल से सेहत पर होने वाले मनफी असरात बशमोल COVID-19 जैसी मुतअद्दी बीमारियों का खतरा लाहक है। हुक्का बार्स में फायर सेफ्टी खवानीन को फॉलो न करना और होटल्स बार्स और रेस्टोरेंट्स में खाने पीने की अशिया की आलूदगी पर भी तवज्जो दी गई है। लिहाजा नोटिफिकेशन में हुक्के की मसनूआत की फरोख इस्तेमाल फरोख जखीरा अंदोजी और तिजारत पर फौरी पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों को मुख्तलिफ कानूनी दफात के तहत जुर्माना अदा करना होगा। नोटिफिकेशन पर हुकूमत के अंडर सेक्रेटरी महकमे सेहत और खानदानी बहबूद के दस्तखत हैं और इसे मुख्तलिफ सरकारी महकमे जैसे अकाउंटेंट जनरल चीफ सेक्रेटरीज महकमों के सरबराहान और रियासत भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजा गया है।